अब खा के देखता हूँ। आ जा। ओ सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह की शुरुआत हो गई है झाड़ू के साथ, तो सफाई अभियान चालू हो गया है, झाड़ू चल रहा है। झाड़ू के बाद पोछा करना है और फिर बालकनी की सफाई भी करनी है, क्योंकि बारिश तूफान बहुत ही भयंकर रूप से आया है, तो सफाई करनी भी बनती है। अब लोग सोचते हैं कि भाई सफाई ही सफाई क्यों करते रहते हैं ये, तो लेकिन बात ये भी है कि मेड हमने नहीं लगाई हुई है, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है। आप लोगों ने लगाई होगी क्या पता, लेकिन मेरे नज़रिए में, हर किसी का नज़रिया अपना अलग अलग है, मेरे नज़रिए में ये है कि इस टाइम सफाई के लिए किसी को लगाना सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। और यार देखो, घर का काम करने में कोई शर्म नहीं है, इससे कोई आपकी मैन ईगो हर्ट नहीं होती। भाई देखो, घर में सबको मिलके काम करना चाहिए, तो मेरा मानना ये है। तो चलो, मैं तो अपना चलिए हाँ, सफाई वो में भी लग, उठा कर तो आप भी चला। लगिए। लैंप्स इसके पीछे है, ले लो। आप कितने बजे चले जाते हो भैया घर? बस अभी थोड़ी देर में जाने वाला है। आप कुछ घंटों के लिए करते हो क्या यहाँ पे? हाँ? कुछ घंटों के आते हो क्या यहाँ पे? 8 बजे आते हैं, हाँ। 10 बजे चले जाते हैं, घर का मन। अच्छा, फिर शाम को 5 बजे आके 9:30 बजे घर। अच्छा, बता देना भैया, वो 50 बैलेंस है। सो सामान मैंने मंगा लिया है, दूध नहीं था, पनीर मंगाया है, बिस्किट मंगाए हैं और एग्स मंगाए हैं, और बाकी ये सब सारा सामान, अगरबत्ती और बिस्किट बिस्किट सब मंगाए हैं। तो मिलता हूँ, सफाई चल रही है, फिर मिलता हूँ बाद में। तो आज इडली बनाई जा रही है और इडली का सामान हमने पहले ही मंगा लिया है। तो ये आप बर्तन देख रहे हैं इडली का, तो ये बहुत सस्ता आता है, तो ये मैं बबीता से पूछता हूँ, बबीता ही लेकर आई थी। कितने का आया था बबीता ये? ये 200 या 250 रुपए का आया था। हाँ, लेकिन इसमें इडली थोड़ी छोटी नहीं बनेगी? हाँ, इडली छोटी बनती है, लेकिन जो बड़े बर्तन होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं। लेकिन मैं तो ये छोटी छोटी जो इडली आऊंगी, ये तो मैं तो 20-30 खा जाऊंगा आराम से, मेरे को तो बड़ा मजा आएगा ये छोटी छोटी इडली खाने में। कोई बात नहीं, आप 50 खा लो, मैं बना दूंगी। अच्छा चलो, आज इडली खाता हूँ 30 से 50। तो अच्छा, अभी ये सांचे में हम डाल लेंगे जो मिक्सचर है?
हाँ अभी पहले सारा इसमें फिल कर लेंगे। तो ये पहले क्या लगाया था इसमें तुमने, तेल लगाया था ना ये स्टार्टिंग में पहले? हाँ, ये हल्का सा ऑयल लगाना पड़ता है ताकि वो नीचे चिपके ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये दोनों तीनों फिल करके फिर क्या करेंगे, इन दोनों तीनों को फिल जैसे कर लेंगे इससे मिक्सचर के से? फिर इसमें नट फिट करेंगे पहले तो। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद हम एक पतीला लेंगे, उसमें पानी गरम करेंगे, उसके अंदर ये स्टैंड जाएगा, फिर उसके ऊपर से ढक्कन आएगा। अच्छा अच्छा, तो ये स्टीम से खुद ही ये बन जाएगा। तो ऐसे तो हम मोमोज भी इसमें बना सकते हैं फिर? हाँ बिल्कुल बना सकते हो, बट छोटे मोमोज बनाने पड़ेंगे इसमें, बड़े हाँ, नहीं, क्योंकि स्टीम का ही इसमें वर्क होता है। अच्छा, अब तीनों को तुम इसको ऐसे बंद कर दोगे? हाँ। और ऊपर से उसमें नट लगा दोगे? अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत इजी है, इवन वॉश करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नहीं, वॉश तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना, तो तुम्हें क्या टाइम लगेगा? तो इसलिए थोड़ा तुम्हारे लिए काम कम कर दिया मैंने। ये देखो पानी उबल गया ना, इसके अंदर डाल देंगे हम। अच्छा, अब ये ऊपर से ढक्कन रख दिया तो स्टीम अंदर ही रहेगी और भाप से वो हो जाएगा। हाँ, अच्छा ये सही, ये है, ये देखो बन गई, क्या बढ़िया बन गई यार ये तो। हाँ। और निकल भी देखो कितने अच्छा, ये ऑयल का यही वर्क है, देखो अब इतने प्यार से निकल रही है, और मैं बना रहा होता तो ये आधी तो चिपक गई होती नीचे, तो ये बड़ा फ़ायदा है, अब इतने आराम से निकल रही है। ये वाली निकालना आगे वाली, ये वाली निकालो। हाँ ये देखो कितने प्यार से निकल रही है यार ये तो बड़ी सॉफ्ट लग रही है मेरे तो अभी। आहा, नेक्स्ट लेवल की भूख लग रही है, अभी खा जाऊँगा ये अभी उठा के, देखो कितने प्यार से। अच्छा एक चीज़ और है, जब हम बना रहे होते हैं और हमें भूख पहले से ही लगे तो फिर तो हम ना चटनी देखते ना सांभर देखते, बस उठा के टेस्ट करने के चक्कर में दो तीन पहली ग्लुप हो जाते, एकदम फटाफट फटाफट खा लेते हैं। ये वैसे भी सेकंड राउंड बना है इडली का, आपको पता है ना आपने ऐसी कितनी सारी खा ली अभी। तो यार भूख में इंसान खाएगा ही कि बनाता रहेगा, भूख लगी है तो खाऊंगा ही ना यार। सो फ्रेंड्स, सांभर के लिए ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च, सीताफल, भिंडी, बीन्स, प्याज, कैरेट, बैगन और ये है कुंदरू, और दाल में अरहर की दाल। तो अब इस प्रेशर कुकर में मैंने दाल, थोड़ी दाल और जो आपको सब्जी दिखाई थी वो सारी सब्जियां धो के कट कर मैंने इसके अंदर डाल दी है, जैसे बबीता ने बताया मेरे को। मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि मेरे को पतला पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी थोड़ा सा गाढ़ा ना हो, क्योंकि हम रोज़ की तरह अगर दाल बनाएंगे तो वो फिर रोज़ की दाल टाइप में बन जाएगी, इसलिए हमें वेजिटेबल थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अब इसमें 5 से 6 विसल लगा दूंगा और उसको अच्छी तरह से घोट लूंगा। अरे इसके तड़के का क्या करना है, कि तड़के में क्या क्या डालना है बबीता? इसमें पहले आप सरसों का तेल थोड़ा सा डाल दो, कुछ भी आप ले सकते हो, कड़ी पत्ता हो गया और आपका लाल मिर्च हो गई। अच्छा हाँ, और सरसों के दाने नहीं है तो जखिया डाल देंगे, ठीक है? तो जखिया डाल दो आप। अच्छा चलो ठीक है, तो ये अभी जखिया मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा सा करो। अब गरम कर लेता हूँ इसे तड़के के लायक। हाँ। तो ये हल्की सी ये शिमला ये भी डाल दूँ ना, ये कश्मीरी लाल मिर्च? हाँ कश्मीरी लाल मिर्च आप डाल सकते हो, वो वाली जो लाल मिर्च होती है ना देगी वेगी, तो तेज हो जाएगी ना मेरे। हाँ, ख्याल से जस्ट फॉर द कलर्स बहुत अच्छी रहती है। अरे मेरी आँख में लग रहा है यार ये तो धुआं इसका, कुछ नहीं होगा। अच्छा तो इसको अब सीधे मैं दाल में डाल दूँ ना, जो हमने उबाली थी उसमें? अच्छा उसमें डालेंगे। चलो उसमें भी 5-6 सीटियाँ आ ही गई थी, तो ये मैं उसमें डाल दूंगा। यार कलर तो सही आ गया डालते ही। अभी तो और डालना है, और डाल दो जितना बचा हुआ है ना। हाँ पूरा ही डाल दूं इसमें? हाँ उसमें पूरा डाल देना। चे पूरा ही डाल देता हूँ मैं। हाँ छींटे आएंगे दूर। अरे अरे छींटे आ रहे हैं, अब इसे क्या मिक्स कर लूँ? इसे मिक्स करना है इसके बाद में। हाँ। बाद में मिक्स कर लूँ ना, ये घुमा देता हूँ। चलो कलर देखो इसका कितना अच्छा। हाँ यार कलर तो सही आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब मेरे ऐसा बंदा बना सकता है। हाँ ये बात अलग है कि थोड़ा सा भाई पता होना चाहिए, क्यों भाई पता होना चाहिए,
क्योंकि बाय बोन मैं भी कोई इतना बड़ा शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें बना के आ ही जाती हैं। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ओ भाई की जान, क्या लग रही है यार इडली यार, वाह यार वाह, और बीच में नारियल की चटनी तो उफ़ नेक्स्ट लेवल। आई होप गाइज आपके मुंह में पानी आ गया होगा, अगर आप वहाँ बैठे हुए मेरे को देख रहे हैं तो शर्तिया बात है आपके मुंह में पानी आ गया होगा, क्यों जो मज़ा आ रहा है ना खाते हुए। सो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं शर्माना, खाना बनाना है तो कुछ नहीं होता, पूछ सकते हो यार मैच के बनाया है, तुम भी पूछ सकते हो, मम्मी से पूछो, वाइफ से पूछो, किसी से भी पूछो, लेकिन बनाओ, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। सो अगर आपको आज का व्लॉग आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपका अपना भाई चेतन उत्तराखंडी।